वंदे मातरम। इस वीडियो में हम इंटीजर को डिटेल से समझेंगे, नंबर लाइन देखेंगे, इंटीजर के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, इंटीजर के कुछ रूल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा रूल है, आसान सा रूल है, उसको देखेंगे और सब कुछ एकदम बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एकदम मेरे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, तब सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ सीखते चलिए। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहां तक गया, इन्फिनिटिव तक। ये इन्फिनिटिव का साइन है। तो इन संख्याओं के ग्रुप को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को शामिल कर दे, अब इस संख्याओं के ग्रुप को कहेंगे, पूरे संख्याओं के ग्रुप को होल नंबर, ठीक है। अब इस होल नंबर में भी अगर नेगेटिव संख्या को हम शामिल कर दे, -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे कहां तक, -इन्फिनिटी तक। अब इन सारे संख्याओं के ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो हम, जी हाँ, इसी इंटीजर के बारे में पढ़ना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कुछ सीखेंगे, इसके कुछ नियम है वो सारे चीज देखेंगे, ठीक है। तो पहले इतना समझ गए ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर है। तो इसको हम लोग कहते हैं, यहां से लेकर आगे तक इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये जेड, जेड मतलब क्या, इंटीजर को जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। और जीरो, तो जीरो इंटीजर है, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। अच्छा, अब देखिए इसी नंबर्स को अगर हम एक लाइन पे सजा दें, इसी नंबर्स को अगर एक लाइन पे सजा दें, तो ये बन गया हमारा नंबर लाइन। ये क्या हो गया, नंबर लाइन बन गया। अब देखिए किसी भी संख्या, कोई छोटी, कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो अच्छे समझिएगा। आप नंबर लाइन पे कहीं भी खड़े हो जाइए, कहीं भी, मानिए हम यहां पे खड़े हो गए 3 पर, और हम आपसे पूछे कि बताइए 4 बड़ा है कि 2। खैर ये तो इजी है, आप तो बता दीजिएगा 4, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि नंबर लाइन पे कहीं पे भी खड़े हो जाइए, और उसके राइट वाली जो संख्या होती है वो बड़ी होती है और लेफ्ट वाली संख्या छोटी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो गए 5 पे, तो बताइए 6 बड़ा कि 4, 6 बड़ा ही, तो सिंपल है, पॉजिटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि 6 राइट में था और 4 लेफ्ट में है। नेगेटिव में देखिए, अगर आप -2 पे खड़ा हो गए, तो बताइए -1 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -1 राइट में है, तो कौन बड़ा होगा, -1, ठीक है। अगर मानिए आप यहां पे खड़े हो गए, यहां पे 0 -1 के बीच में, और हम आपसे बोले कि बताइए 0 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है, तो 0 राइट में है तो 0 बड़ा है और -1 छोटा है, समझ में आया। हाँ, ऐसा मत बोलिएगा कि उसको -1 नंबर आया, हमको 0 नंबर आया, तो उसका ज्यादा नंबर आया, ठीक है ना। आपका 0 नंबर आया मतलब आपका ज्यादा नंबर आया, जी हाँ। और फिर देखिए, अगर मानिए आप यहां पे खड़े हो जाइए, तो जो भी राइट साइड है वो बड़ा होगा लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो यहां पे खड़े हो गए, तो यहां पे -3 है और लेफ्ट यहां पे ले लेते हैं -5, ये तो कौन बड़ा, -3 या फिर -5, -3 राइट में है तो -3 बड़ा हो गया, ठीक है ना, इतना तो समझ गए। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे यहां पर लिखे -6, +5, -4, -3, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग नंबर लाइन से निकालेंगे, चलिए वो अगले स्लाइड में देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, नंबर लाइन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इतना पहले समझ लीजिए, प्लस मतलब आगे जाएंगे और माइनस रहेगा किसी संख्या के पहले तो पीछे आएंगे, ठीक है ना। और शुरू कहां करेंगे, 0 से ही शुरू करना है। जैसे देखिए यहां पे क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा, जैसे यहां पे क्या है, -6 पहले लिखा हुआ है, तो 0 से ही शुरू करना है। तो चलिए 0 से शुरू कीजिए और -6 पे आइए, -6 पे आ गए, ठीक है, लॉन्ग जंप मारे हैं भाई, ठीक है ना, आर्मी हो सकता है, -6 पे चले आए। उसके बाद फिर क्या है, +3 का क्या मतलब कि 3 आगे जाइए, तो आगे जाइए 1, 2, 3, किस पे पहुंच गए, -3 पे, जी हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, -5। तो सबसे पहले क्या करना है, 0 से ही शुरू करना है, 0 से चलिए -5 पे आइए, तो यहां पर आगे -5। अब फिर क्या है, -2, यानी 2 पीछे आइए, माइनस है ना, तो क्या करना है, पीछे ही आना है 2, तो 1, 2 किस पे पहुंच गए, -7 पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -7। आगे देखिए यहां पे क्या है, +7 है, प्लस, तो फिर क्या करेंगे, 0 से ही शुरू करेंगे और 7 आगे जाएंगे, चले गए पहले 0 से, +7। और फिर क्या है, -3 मतलब पीछे 3 आइए, तो 1, 2, 3 किस पे पहुंच गए, 4 पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। फिर ये देखिए, ये तो सिंपल है ना, 2 5 क्या होगा, 7 होगा, देखते हैं आता है कि नहीं।
तो दो है, तो किसे शुरू करना है, जीरो से ही, तो दो पे जाइए। और फिर क्या है प्लस पांच, प्लस पांच मतलब पांच और आगे जाइए, तो एक दो तीन चार पांच, किस पे पहुंच गया, सात पे। तो दरअसल ये आपको फील के लिए दिए थे कि आपको फील आ जाए कि हाँ नंबर लाइन से ऐसे आंसर निकल रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, सात। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा कि ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन आए तो क्या हम नंबर लाइन बनाएंगे फिर डिजाइन बनाएंगे, तो नहीं, डिजाइन विजाइन आपको नहीं बनाना है। इसके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा आसान रूल है, उसको अगले स्लाइड में सीखते हैं। चलो इससे पहले एक और उसी में एक बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर चार पांच गो दे दिया रहे इंटीजर तब कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे ही बस करना है आपको, यही याद रखना है प्लस रहे तो आगे जाना है, माइनस रहे तो पीछे आना है, और जीरो से ही शुरू करना है। तो यहाँ पे क्या है माइनस सिक्स, तो सबसे पहले जीरो से माइनस सिक्स पे कूद जाइए, मारिए लॉन्ग जंप, ठीक है ना, माइनस सिक्स पे आ गया। उसके बाद क्या है प्लस फाइव मतलब पांच आगे जाइए, तो एक दो तीन चार पांच, जहां जहां बोल रहे वहां पे कूदते रहिए। फिर क्या है माइनस थ्री, फिर तीन पीछे आइए, तो इससे लेते हैं एक दो तीन, तीन पीछे आ गए, माइनस चार पे पहुंच गए। फिर क्या है माइनस दो, फिर दो पीछे आइए, एक दो, फिर माइनस सिक्स पे ही पहुंच गए। फिर क्या है प्लस वन मतलब एक ज्यादा जाइए, चलिए कूदिए, किस पे पहुंच गए फाइनली माइनस फाइव पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस पांच। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बस सिंपल सा रूल याद रखना है, यही कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। बोलिएगा कैसे याद करें, तो ऐसे खींचिए, देखिए अगर सेम साइन रहे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, सेम साइन रहे तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, और अगर अलग अलग साइन रहे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस तो हम लोग घटा देते हैं। बस ये याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करना है तो अलग अलग साइन आपको दिख गया तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा दीजिए, तो छह में से तीन का क्या हो जाएगा तीन, और घटाने के बाद, घटाने के बाद हम लोग साइन लगाते हैं किसकी, बड़ी संख्या की, इसको भूल मत जाइएगा। तो क्या है बड़ी संख्या, क्या है छह है, इसका साइन क्या है माइनस, तो फाइनली क्या आंसर हो जाएगा माइनस थ्री। अच्छा और क्वेश्चन होगा क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। देखिए जैसे ये है, इसको सॉल्व करना है तो सेम साइन है ना, तो सेम साइन है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो पांच दो जोड़ेंगे तो क्या होगा सात, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाला संख्या जोड़ेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, और प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है प्लस माइनस अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो घटा देंगे, तो घटा दी तो सात में से तीन गया चार, और चिन्ह किसके लगाते हैं बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या कौन है सात, उसका साइन क्या है प्लस, तो फिर प्लस लगाइए या फिर मत लगाइए, वो छुपा हुआ रहता है, प्लस लिखिए या फिर मत लिखिए, सेम बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें प्लस वाली जितनी भी संख्या है ना उसको जोड़ देना है, और माइनस वाली भी जितनी संख्या है उसको जोड़ देना है, ठीक है, प्लस वाली संख्या जितनी उसको जोड़ देना है और माइनस वाली जितनी संख्या उसको भी जोड़ देना है। तो प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, और माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए प्लस वाली संख्या इसमें कौन कौन एक्ट हो, तो ये है पांच है और एगो कौन है एक है, किस संख्या के पहले साइन देखते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों प्लस में, तो इसको जोड़ दीजिए, तो पांच एक क्या हो गया छह हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोले, माइनस वाली संख्या को भी जोड़ देते हैं, और साइन किसका लगा देंगे माइनस का, तो माइनस वाली संख्या को जोड़ दीजिए, ये वो ये है माइनस वाली संख्या एक ये है और एगो ये है, जोड़िए छह तीन नौ और दो ग्यारह, और साइन किसका लगाएंगे माइनस का, ठीक है ना। अच्छा अब इसको, अब देखिए फिर ऐसा टाइप तो क्वेश्चन अभी बताया सॉल्व करने के लिए, क्या करेंगे यहाँ पे कोई नहीं है मतलब प्लस है, तो अलग साइन है तो क्या करते हैं घटा देंगे, तो ग्यारह में छह गया क्या हो जाएगा पांच, और साइन किसका लगाएंगे बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है ग्यारह है, उसका साइन माइनस है, तो माइनस पांच आंसर। मतलब ऐसे समझिए कि अगर प्लस वाली जितनी संख्या रहता है उसको जोड़ देंगे तो प्लस का साइन, माइनस वाले भी जितनी संख्या रहे उसको जोड़ देंगे तो माइनस का साइन, लेकिन अगर अलग साइन रहे तो उसको घटा देते हैं। देखो अलग साइन था ना, प्लस माइनस था, अलग अलग साइन था तो घटा दिए, और साइन मत भूल जाइएगा, साइन बड़ी संख्या का लगा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन क्या क्या बताए, प्लस वाली जितनी भी संख्या है उसको जोड़ देंगे, तो प्लस वाली कौन कौन संख्या है, ये है ये है और एक ये है, तो इसको जोड़िए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, चालीस और दस पचास और दस साठ और पांच पैंसठ और इसमें का दो सड़सठ, कितना हो गया सड़सठ, प्लस वाली संख्या जितनी था उसको जोड़ दिए, और माइनस वाली संख्या भी जितनी रहे उसको भी क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाली संख्या एक ही है तो किसके साथ जोड़ेंगे, नहीं किसी के साथ जोड़ेंगे तो उसको वैसे ही लिख दीजिए माइनस तेरह, ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या कर दीजिए घटा दीजिए, कितना आएगा चौवन आंसर। अलग अलग साइन है ना, तो अलग अलग साइन रहे तो घटा दिए, और साइन किसका बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या सड़सठ है उसका साइन प्लस है, तो प्लस दीजिए या फिर मत दीजिए, ठीक है ना। अच्छा अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा, क्या हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, माइनस छह प्लस पांच को पहले सॉल्व कीजिए, फिर जितना आएगा उसमें माइनस थ्री कीजिए, फिर जितना आएगा माइनस टू कीजिए, फिर जितना आएगा प्लस वन कीजिए, तो ऐसे कीजिएगा पेज भर जाएगा,
सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपका दो ही लाइन में आंसर चला आएगा, ठीक है ना। अगर मानिए पूरा यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन को लिख दें, तो जितना डिजिट रहेगा उससे एक कम तो आपका पूरा नीचे पेज में भर जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच डिजिट का ये आपको दिए हैं क्वेश्चन, तो आपको चार लाइन में ये बनेगा अगर वैसे कीजिएगा। तो वैसे नहीं करना है, बस सिंपल आपको यही करना है कि प्लस वाले जितने संख्या रहे उसको जोड़ दीजिए, माइनस वाला को जोड़ दीजिए, और साइन का ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बस यही था। आइए इससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, अब उसको सीखते हैं। एक चीज और समझिए यहाँ पे है, जैसे हम लिखे -6 + 3, इसको हम लोग +3 और -6 भी लिख सकते हैं, +2 या फिर -2, ठीक है। हाँ ये समझ जाइए, -6 + 3 को 3 - 6 भी लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों किए, हम लोग लिख सकते हैं बशर्ते कि उस संख्या का साइन उसके साथ रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 क्या था, प्लस में, तो यहाँ भी +3 है। 6 क्या था, माइनस में, तो यहाँ पे -6 है, ठीक है ना। साइन साथ में रहे तो संख्या को आप इधर उधर भी करके लिख सकते हैं। चलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए, हम बताते हैं क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा, बताते हैं कैसे। अलग अलग साइन है तो घटा दीजिए, तो 6 - 3 = 3, और साइन बड़ी संख्या का तो क्या लगा देंगे, माइनस। इसका आंसर कितने आया, -3, और इसका देखिए प्लस है, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो घटा दीजिए, तो 6 - 3 = 3, और साइन किसका, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 6 है और माइनस है तो -3। समझ में आएगा, दोनों का आंसर सेम है, यानी इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे और बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे -4 + 5 - 6 + 3, ठीक है। तो आप इसको इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, बस साइन उसके साथ रहना चाहिए। जैसे हम पहले 3 को लिख दिए प्लस में, तो प्लस में फिर क्या लिख दिए, चलिए +5 को लिख दिए, अच्छा फिर -6 को लिख दिए, फिर -4 को लिख दिए, यानी दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, और उसको सॉल्व करके देखते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। अच्छा बराबर किधर वाले जो भी कुछ लिखा रहता है उसको हम लोग LHS कहते हैं, और बराबर के उधर जो भी कुछ लिखा रहता है RHS कहते हैं। तो पहले LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या बताएं, प्लस वाली जितनी भी संख्या है उसको जोड़ देना है, तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या और ये प्लस वाली संख्या जोड़ दीजिए, 5 - 3 = 8, और साइन किसका, प्लस का। माइनस वाली जितनी संख्या है उसको भी जोड़ देंगे, तो -4 और -6 को जोड़िए, तो कितना आ जाएगा, -10, और अलग अलग साइन आ गया, अलग अलग साइन आ गया तो घटा देंगे, तो घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2, और साइन किसका, बड़ी संख्या का, तो -2। इसका आंसर कितना आ गया, LHS का आंसर आया -2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, प्लस वाली जितनी संख्या है उसको जोड़ देंगे, तो 3 और 5 = 8, और माइनस वाले भी जितनी संख्या है उसको भी जोड़ देंगे, तो -10, ठीक है। फिर अलग अलग साइन आ गया प्लस और माइनस, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, और फिर साइन हम लोग नहीं भूलेंगे, साइन बड़ी संख्या का, तो -2। इसका भी आंसर -2, इसका भी आंसर -2। इससे ये पता चलता है कि किसी संख्या का आप इधर उधर उठा पटक कर सकते हैं, बशर्ते उसके साथ उसका साइन रहना चाहिए, ठीक है ना। आइए कुछ इसके मतलब इससे रिलेटेड कुछ नियम है, बहुत ज्यादा आसान नियम है, उसको अगले स्लाइड में देखते हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टी है देख लेते हैं, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में हम लोग निमिलन नियम या फिर संवृत नियम भी कहते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी दो इंटीजर आप लीजिए, तो चलिए ले लेते हैं, लीजिए भाई ए और बी, मान लीजिए दो इंटीजर हम ले लिए, तो उसको आप जोड़िए या फिर इस दोनों इंटीजर को आप घटाइए, तो जो सम आएगा या फिर जो डिफरेंस आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। ये कौन नहीं जानता है भाई, तो उसका नाम एक दे दिए भाई, ये लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो देखिए जैसे हम दो इंटीजर लेते हैं, एक तो 7 लेते हैं और एक -5 लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो चलिए एक 7 इंटीजर है और एक क्या है, -5 है, तो इसको एक बार जोड़िए, तो 7 में क्या जोड़ना है, -5 को कैसे जोड़ेंगे, 7 का 7 लिखिए, अच्छा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखिए, फिर प्लस, फिर 5 है तो 5 लिखिए, 7 में से 5 गया 2, तो 2 क्या है, एक इंटीजर है, तो यही तो बोला कि दो इंटीजर लीजिए उसको जोड़िए तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, सही बात है भाई। अच्छा अब बोला कि घटाइएगा तब भी इंटीजर आ जाएगा, तो चेक कीजिए, तो ये दो इंटीजर को लेते हैं 7 और -5 को, क्या बोला है, घटाने के लिए, तो घटा दीजिए, ठीक है ना, घटाइए, तो 7 - - क्या होता है, प्लस, इस दोनों को हटा करके एक साइन लिख दिए, तो हम जानते क्या होता है, -, प्लस, तो प्लस लिख दिए, फिर 5 है तो 5, 7 + 5 कितना हो गया, 12, तो क्या हो गया, 12। तो हाँ भाई इसको घटाए भी थे, एक इंटीजर ही आया, तो बस यही तो था क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो इंटीजर को लीजिए उसको जोड़िए फिर घटाइए, एक इंटीजर ही आएगा, बात सही है, झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होता है, इसको हिंदी में सहचार्य नियम कहते हैं। ये कहता है, अच्छा इसको मिटाते हैं, ये पहले क्या कहता है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई भी आप 3 को इंटीजर लीजिए, मान लेते हैं 3 इंटीजर a
बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा, अच्छे से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी के, यही कहता है सहचर्य नियम। चलिए कोई इंटीजर हम पहले ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए माइनस दो तीन और माइनस पांच, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके एलएचएस को, फिर आरएचएस को सॉल्व करके देखेंगे, यही है क्या सहचर्य नियम। देखिए पहले सॉल्व करते हैं, तीन इंटीजर है तो पहले लीजिए माइनस दो तीन और माइनस पांच, और इसको क्या करेंगे जोड़ना है, यहाँ पे घटाओ का साइन नहीं आएगा क्योंकि योग का ही सहचर्य नियम होता है, घटाओ का सहचर्य नियम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका आंसर अलग अलग आएगा, ये दोनों बराबर थोड़ी आएगा, हम करके भी दिखा देंगे। तो तीन इंटीजर ले लिए, उसको क्या करिए जोड़ दीजिए, अच्छा दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसको इसको क्या करते हैं कोष्ट में डाल देते हैं, तो बाद वाले में पहले कोष्ट लगा दीजिए, फिर बराबर ये किसके हो जाएगा सहचर्य नियम के अनुसार, माइनस दो है तीन है और माइनस पांच है, तो प्लस कर दीजिए और इस दोनों को पहले सॉल्व कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा यहाँ ये प्लस का साइन लगा दीजिए, योग का सहचर्य नियम यही कहता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस दो है तो माइनस दो लिखिए प्लस, फिर क्या है तीन, इस दोनों को हटा के एक साइन लिख देंगे, क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस पांच, माइनस दो प्लस तीन माइनस पांच कितना होगा माइनस दो, तो माइनस दो लिख देंगे, माइनस दो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर दो माइनस दो माइनस दो क्या हो जाएगा माइनस चार, इससे माइनस चार आया तो इससे भी कितना आएगा माइनस चार ही आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले कोष्ट वाला का ही काम करते हैं, तो माइनस दो और प्लस तीन कितना आ जाएगा एक, फिर इस दोनों को हटा के क्या लिख देंगे प्लस माइनस को माइनस, फिर पांच, फिर कितना आ जाएगा माइनस चार, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटा दिए और साइन बड़ी संख्या का, तो इससे क्या आ गया माइनस चार, इससे भी माइनस चार, तो योग का सहचर्य नियम होता है, घटाव का सहचर्य नियम नहीं होता है। अगर तीन इंटीजर ले लिए, इसको क्या कीजिए आप ऐसे घटा दीजिए, ऐसे घटाइए और पहले बाद वाले को काम कीजिए, फिर बराबर माइनस दो माइनस तीन माइनस, फिर माइनस पांच है, और फिर ये पहले वाले काम करके इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा ना, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए घटाव का सहचर्य नियम नहीं होता है। ठीक है, ये था एसोसिएटिव लॉ। आइए अब सीखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तीसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ये क्या है, दो इंटीजर कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ए और बी, हम दो इंटीजर ले लिए, तो ये कहता है कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, बस क्रम को विनिमय कर दिए, बदल दिए, यही कहता है कौन कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए करके देखते हैं, दो इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, एक तो माइनस पांच लेते हैं और एक सात ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके अनुसार क्या होगा माइनस पांच प्लस सात बराबर होगा किसके, सात प्लस माइनस पांच के। क्रम को क्या कर दिए, पहले माइनस पांच था बाद में प्लस सात था, तो पहले प्लस सात लिख दिए बाद में क्या कर दिए माइनस पांच लिख दिए, और प्लस तो आएगा ही आएगा, ये तो यही तो क्रम विनिमय। इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, अलग अलग साइन घटा देंगे दो साइन बड़ी संख्या का, तो प्लस ही होगा। इसको देखिए सात अलग, यहाँ पे क्या है दो साइन एक ही साथ आ गया है, तो एक बना दीजिए, तो सात प्लस माइनस माइनस पांच है तो पांच, सात में से पांच गया दो, तो दो दो आ गया, तो यही है क्रम विनिमय नियम कुछ नहीं। और क्रम विनिमय जोड़ के लिए ही सत्य है, घटाव के लिए सत्य नहीं है। अगर कोई भी ऐसे थोड़ी हो सकता है एट माइनस सिक्स बराबर सिक्स माइनस एट, ये थोड़ी बराबर हो सकता है, ये तो गलत है ना, तो घटाव का क्रम विनिमय नहीं होता है। तो योग का ही सहचर्य नियम होता है और योग का ही क्रम विनिमय नियम होता है, ठीक है ना, बस ये लॉ थे, इसको आपको जानना चाहिए था। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर आइए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको हिंदी में योज्य प्रतिलोम कहते हैं। देखिए ये कहता है कि जैसे कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए ले लिए हम पांच, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हुआ कि पांच में उस इंटीजर में हम क्या जोड़ दें कि जीरो आ जाए, तो हम बताइए पांच में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आएगा, तो पांच में हम माइनस पांच जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, कैसे, तो पांच प्लस माइनस माइनस पांच क्या आ जाएगा जीरो ही तो आया। तो योज्य प्रतिलोम यही होता है कि उस इंटीजर में हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, जैसे एक और लीजिए माइनस सिक्स लिए इंटीजर, ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, तो प्लस सिक्स, यानी माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया प्लस सिक्स, और लीजिए माइनस सेवन, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस सेवन, अरे प्लस सेवन ही तो जोड़ेंगे माइनस सेवन में तब तो जीरो आएगा, तो यही तो है। जैसे यहां पे हम एक और ले लिए सिक्स, अब सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस सिक्स, यानी सिक्स में माइनस सिक्स को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बस यही था योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम को आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या करना है,
कि उसके साइन को बदल देना और लिख देना है, माइनस रहे तो प्लस कर देना है और प्लस रहे तो माइनस कर देना है। सब जगह तो वही किए, यहां पे माइनस सिक्स था तो माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स प्लस सिक्स, माइनस सात था तो प्लस सात, प्लस सिक्स था तो माइनस सिक्स, प्लस सिक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस सिक्स, मतलब उसके साइन को हम लोग क्या करते हैं बदल देते हैं। और एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि उस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि जीरो आ जाए, तो बस साइन को पलट के कर दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो भी लॉ बताए थे, जो प्रॉपर्टी बताए थे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बताइए आप कि इसमें इंटीजर कौन कौन है। एक इंटीजर है सिक्स और एक है माइनस थ्री, माइनस थ्री, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या कर दिए, पहले माइनस थ्री लिख दिए और बाद में सिक्स लिख दिए, क्रम को विनिमय कर दे, तो पहचान तो आ गया ये क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, सेकंड पहचान ये कौन सा है, इसमें पहले बोली इंटीजर कौन कौन सा है, तो इंटीजर है माइनस सात, एक है एक और एक है माइनस छह। कौन कौन है, माइनस सात, एक है एक और एक है माइनस छह। तो क्या किए हैं, बाद में कोष्ट फिर पहले कोष्ट, तो कोष्ट देख के तो पहचान लीजिए कौन सा है, एसोसिएटिव यानी सहचार्य नियम है। ठीक है, अच्छा अब अगला देखिए, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, मतलब कि दस में क्या जोड़ दें कि जीरो आ जाए, तो बताइए बड़ा भारी क्वेश्चन है। माइनस दस, माइनस तीन में क्या जोड़ दे कि जीरो आ जाए, प्लस तीन, बस साइन को पलट के लिख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा प्लस नाइन। अच्छा जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जीरो ही होगा, जीरो में क्या जोड़ दे कि जीरो आ जाए, तो जीरो। ठीक है ना, बस आज की वीडियो में बस इतना ही, आप जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, और अभी इंटीजर का ये जो क्लास है वो समाप्त नहीं हुआ, इसकी एक और वीडियो आएगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी आएगी, तो आपको उस सारे वीडियो को फॉलो करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, उसका जरूर रिप्लाई ही दिया जाएगा। ठीक है, और आपको जो जो चैप्टर में प्रॉब्लम है, जिसका बेसिक्स आपको, जैसे फ्रैक्शन, डेसिमल, इवन हम तो लाएंगे ही फ्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज की वीडियो आएगी, सारे टॉपिक पे आएगी, जो आपका जितना ही बेसिक ढिल्ला ढिल्ली हम सब जानते हैं। ठीक है ना, तो सारे पे वीडियो आएगी, और आप बस वीडियो को देखते रहिए, और ये वीडियो का रिव्यू जरूर आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट जरूर आएगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।